नमस्कार दोस्तों, प्रातःकाल होते ही हम लोग घर से निकल पड़े और आ जाए 30 डेज 30 डेस्टिनेशन का नवा दिन। तभी देखा कि सुबह सुबह रास्ता बड़ा सुनसान था और चाय वाले की दुकान में बहुत भीड़ लगी हुई थी और यहाँ पर एक अंकल धनिया पुदीना बेच रहे थे, सब हरियाली वाली सब्जियाँ। तभी हमें IPL का बोर्ड दिखा, जो UP लखनऊ सुपर जायंट्स का बोर्ड दिखा। तभी गोविंदपुरी पर देखा कि WAP-9 इंजन माल लेके पहुँच रहा था। तभी देखा एक अंकल वीडियो बना रहे थे और पीछे पीछे उनकी गाड़ी चल रही थी। तो दोस्तों, ये है लाल इमली और इसको बनवाया था ब्रिटिशर्स ने। ये बनी थी 1876 में। आज़ादी से पहले इस मिल का नाम था कानपुर वूलन मिल। यहाँ पर ब्रिटिश लोगों के लिए वूलन कपड़े बनते थे और आज़ादी के बाद ये कपड़े की मिल में तब्दील हो गई। उसके बाद इसका नाम पड़ गया लाल इमली, क्योंकि कहा जाता है कि इसके अंदर एक इमली का पेड़ था। इसमें 10,000 लोग, 10,000 मजदूर काम किया करते थे और कहा जाता है कि 1,000 मैनेजर लोग काम किया करते थे। और इस घड़ी की बात करी जाए तो ये घड़ी 3360 किलो की है और इसकी सुई जो है, एक सुई इसकी 200 किलो की है। और इस घड़ी को एक बार चाबी देने के बाद पूरे एक हफ्ते तक चलाया जाता था। और इस घड़ी की बेल 2 किलोमीटर तक सुनाई पड़ती थी और जितने मजदूर इसमें काम करते थे उनको पता लग जाता था कि उनके शिफ्ट का टाइम हो गया, क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे मिल चला करती थी। ये मिल कानपुर में नहीं, पूरे विदेश में अपने काम से चर्चित थी। कुछ नेताओं के विवाद के चक्कर में ये मिल बंद हो गई और ये मिल World War I से पहले की बनी हुई है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर करना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। और अगला वीडियो कहाँ का चाहिए जरूर बताना। तब तक के लिए नमस्कार।